रे मिस्टीरियो ने साइन किया WWE को, शॉन माइकल्स कर सकते हैं अपनी वापसी वो भी रिंग में। साथ ही साथ दोस्तों रोमन रेंस क्यों नहीं हरा पाए ब्रॉन स्ट्रोमन को, हेल इन अ सेल के अंदर जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइज सबसे पहले बात कर ली जाए द मास्टर ऑफ 619 रे मिस्टीरियो की। तो गाइज PW इनसाइडर के अनुसार रे मिस्टीरियो ने WWE को 2 साल के लिए साइन कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ रिपोर्ट्स के अनुसार रे मिस्टीरियो चाहते थे कि वो 18 महीने के लिए WWE के साथ जुड़े, लेकिन इवेंचुअली उन्होंने 2 साल की डील WWE के साथ साइन कर ली है, जिसके अंदर दोस्तों अमेंडमेंट्स भी हो सकते हैं। लेकिन अब रे मिस्टीरियो WWE के अंदर अपनी वापसी करने जा रहे हैं और यहां कई न्यूज ऐसी भी है कि वो स्मैकडाउन के अंदर अगर जाते हैं, अगर WWE उन्हें स्मैकडाउन के अंदर डालता है तो वो फेस करेंगे शिंस्के नाकामुरा को। लेकिन दोस्तों अब हम बात कर लेते अपनी दूसरी खबर की। तो गाइस जैसे कि आप जानते हैं शॉन माइकल ने रेसलिंग को अलविदा कह दिया है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार वो सिर्फ 1 फाइट के लिए अपनी वापसी कर सकते हैं, जो कि उनकी हो सकती है सऊदी अरेबिया में होने वाले क्राउन जूल के अंदर। यहां एक टैग टीम मैच माना जा रहा है जिसके अंदर वो टैग कर सकते हैं अपने दोस्त ट्रिपल एच के साथ और फेस कर सकते हैं द ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कि केन और अंडरटेकर को। अब ये भी माना जा रहा है कि इस चीज की नींव पड़ सकती है आने वाले सुपर शोडाउन के अंदर, जहां वो कॉर्नर पर होंगे अपने दोस्त यानी कि ट्रिपल एच के साथ। अब देखने वाली चीज होती है ये कि वाकई में ये मैच बनता है कि नहीं, क्योंकि अभी के लिए दोस्तों ये सारी चीजें एक रूमर ही मानी जाएंगी। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं अपनी मेन खबर की, जो कि जुड़ी हुई है बिग डॉग रोमन रेंस से। तो गाइस रोमन रेंस हेल इन अ सेल के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमन को नहीं हरा पाए। ये काफी बड़ा शॉक इसलिए था क्योंकि दोस्तों रोमन रेंस इससे पहले ब्रॉक लेसनर को हरा चुके थे समर स्लैम के अंदर, हालांकि उनका विनिंग रेशियो भी काफी अच्छा था। लेकिन आखिर क्यों ब्रॉन स्ट्रोमन नहीं हारे और क्यों वहां जरूरत पड़गी ब्रॉक लेसनर की, एक बड़ा सवाल है। तो गाइज इन सभी सवालों का जवाब दिया है सबसे बड़े विशेषज्ञ यानी कि डेव मेल्जर ने। डेव मेल्जर के अनुसार WWE ब्रॉन स्ट्रोमन को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी, साथ ही साथ वो ये भी चाहते थे कि ब्रॉन स्ट्रोमन उस मैच को हार जाए। अब ये हो सकती थी नो डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए, लेकिन दोस्तों आप जानते हैं हेल इन अ सेल नॉन DQ होता है, तो ऐसे में ये चीज निकाली गई जहां दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमन और रोमन रेंस की पिटाई कर देते हैं ब्रॉक लेसनर, मैच हो जाता है नो कॉन्टेस्ट, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमन और रोमन रेंस लड़ने की हालत में नहीं होते हैं। यहां दोस्तों एक और चीज इसके साथ एड अप हो गई कि ब्रॉक लेसनर ने कहा कि उनके पास समय है और वो WWE को एक और मैच दे सकते हैं। WWE ने सोचा क्राउन जूल एक इवेंट होने जा रहा है सऊदी अरेबिया के अंदर, पिछली बार हमने इससे $45 मिलियन कमाए थे, क्यों ना इस बार ब्रॉक लेसनर को फिर से एड अप करके थोड़ा और पैसा कमाया जा सके। और इस तरीके से दोस्तों यहां ये कंडीशन निकाली गई जिससे सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। यहां ब्रॉन स्ट्रोमन भी वीक नजर नहीं आए, यहां रोमन रेंस ने भी अपना टाइटल डिफेंड कर लिया और ब्रॉक लेसनर भी मेन इवेंट कंडीशन के अंदर एड अप हो गए। तो गाइज पूरा का पूरा प्लान एक तरीके से WWE के लिए सक्सेस था, हालांकि कई लोगों को ये चीज बुरी लगी, जो कि सही भी है दोस्तों, क्योंकि हेल इन अ सेल को नो कंटेस्ट में खत्म करना एक काफी वियर्ड चीज है। आपको कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो इतनी सी थी, पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूले, साथ ही साथ दोस्तों इंस्टा पर हमें फॉलो करना मत भूले। वेल आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।